सैनिटाइज हो रहा है बहुत अच्छे से। अभी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है परमिशन लेकर के, तो कम्प्लीटली सैनिटाइज हर सीट की जा रही है, हर हैंडल किया जा रहा है, हर पूरा पैसेज किया जा रहा है सैनिटाइज। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कहां पर हूं। हम हैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और आज मेरी सवारी ऑब्वियसली जा रही है फ़्लाइट से। लेकिन फ़्लाइट में ट्रैवल करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको टिकट मिल चुकी होगी, लेकिन आपको चेक इन पहले कर लेना है 48 घंटे पहले। फ्री टिकट्स होती हैं, पैसे से भी होती हैं, लेकिन आपको जो है सीट्स अलॉट नहीं की जाएगी फ्री टिकट्स में, जो मुझे अंदर जाकर के कियोस्क में करनी पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। हियर इज दिव्या। और चेक इन करना है ऑनलाइन। एब्सोल्युटली। तो चलते हैं अंदर। वेल गाइस, आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को इन फूलों के तहत बताया गया है, ताकि उतने डिस्टेंस हमने रखना है एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में। आप देखें यहाँ पर क्यों, वेल इन चीज़ों का ध्यान में रखना है आपको कि बोर्डिंग पास आपके पास पहले होना चाहिए। जैसे मेरा बोर्डिंग पास नहीं आया था, दिव्या का बोर्डिंग पास आ गया था। तो बोर्डिंग पास के लिए आपको उस फ्लाइट के वेबसाइट पर जाना है, आपका PNR नंबर डालना है, आपको बोर्डिंग पास उधर मिल जाएगा चेक इन में। और वैसे कुछ लोग जो हैं, जिन लोगों के फ़ोन छोटे होते हैं, वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं उसमें, तो उन लोगों को एक फॉर्म फिल करना होगा बाहर, जो कि यहाँ पर एक नंबर गेट पर मिलता है, और उसके बाद उन्हें वो फॉर्म फिल करके फिर अंदर आना होगा। तो इन चीज़ ये आपको किट मिलता है। बेसिकली ये हेड शेड है जो आपको तो जिनके सेंटर सीट्स हैं उनको अलग से एक पूरा दिया जैकेट दिया जाता है, और मेरी अलग से सीट मिली है क्योंकि चेक इन के टाइम पे उन लोगों ने मुझे सीट दी नहीं थी। फुल कवर मास्क है, फेस मास्क है, सैनिटाइजर। ये मैंने पहन लिया। अगर आपको शील्ड मिलता है ना, तो उसमें ये ब्लू कलर का है, उसे निकाल देना। ये बेसिकली प्रोटेक्शन है, ताकि जो है इस पर कोई स्क्रैचेस ना आए। शायद ये हमें वापस देना होता होगा। नहीं नहीं, साथ में ले जाना है। यस। वाह वाह वाह। दोस्तों यहाँ पे मास्क दिख रहे हैं, उसी डिस्टेंस पे रहना है, शील्ड है। बहुत गर्मी हो रही है। मुझे
मुझे रिसर्च के लिए बड़ौदा जाना था और उसी रिसर्च के सिलसिले में मुझे पटना भी जाना था। ओके, और ऑन बोर्ड आपको कुछ भी पानी पीने को नहीं मिलने वाला है, तो आपका पानी भी आपको खुद लेकर के आना है। अगर कुछ भूख भूख लगी तो आपको खुद ही लेकर के आना है। कि हमारी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया गया है और रीशेड्यूल के कारण ये फ्लाइट अभी 6:30 में मुंबई से निकली है और 8:50 को जयप्रकाश नारायण विमान पत्तन पे जाकर के लैंड करेंगे। बहुत डिफिकल्ट है ये सारी चीजें करना। पहले हमें भी बहुत सफोकेशन आता है, जैसे कि गुजरात में बैठे हैं तो सेंटर सीट पे, तो उसे और शील्ड होना पड़ेगा ताकि मेरे और फर्स्ट सीट में मतलब ईदर साइड के सीट वालों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। लेकिन आई नो कि ये प्रिकॉशन ही है, प्योर नहीं है, तो आप ये सोचिएगा कि इससे हम जो है कोविड से बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि हमें सल्यूट करना पड़ेगा, इवन हम जिस भी कम्यूट को लेते हैं, चाहे हम बस लेते हैं, चाहे हम ट्रेन लेते हैं, चाहे हम फ्लाइट लेते हैं, तो उसमें जितने भी स्टाफ है वो रेगुलरली फ्लाइट बोर्ड करते हैं। अभी जैसे कि इसमें एयर होस्टेस हैं, पर्सन्स हैं, तो ये सारे लोगों को कितना खतरा हो सकता है हम लोगों से, और ये रोज़ कितने पैसेंजर्स को अटेंड करते हैं। तो फॉर ऑल दिस ऑल दीज गाइज आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। वैसे नॉर्मली जब आप टिकट लेते हैं तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि सिर्फ एक ही बैगेज अलाउड होगा और वो भी आपको लगेज में अंदर चेक इन करवा देना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक हैंडबैग ले सकते हैं और लैपटॉप आप हाथ में ले सकते हैं। मेरा कैमरा बैग था तो मैंने हाथ में लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी चीज़ें लगेज के साथ अंदर डालनी है, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, क्योंकि तो खुद इस कंफ्यूजन में है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप लोगों का स्वागत है और मैं अनुशी के साथ आप लोगों को फिर एक बार वेलकम करती हूँ श्री रोज़ पर।
तो एग्जैक्ट 8:50 एक घंटा होता है, 8:50 को हम लैंड कर चुके हैं। बिल्कुल सेफ। इट इज सेफ, इट इज ऑल राइट। आपको फ्लाइट में सफर करना सेफ लगा? क्वाइट सेफ, बट आई वाज थिंकिंग द मिडिल सीट वाज मेबी कैन बी वर्सन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, खासकर मुझे अच्छा लगा कि जब आप टिकट जब ले लेते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे SMS और मैसेजेस आपको भेजते हैं, प्रिकॉशनरी मैसेजेस भेजे गए। उसके बाद जब रीशेड्यूल किया गया तो 3-4 मैसेज उसके आए कि आप अभी बिना चार्ज के आप टिकट को कैंसिल करा सकते हैं या रीशेड्यूल करा सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छा था। एंड गाइज, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और ये लोग हर एक व्यक्ति को बोल रहे थे आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन अब हम लोगों की, पैसेंजर्स की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। क्योंकि अगर हम फ्लाइट में हम हड़बड़ी में होते हैं कि हमें उतरना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा सामान लेने लग जाते हैं और उस हड़बड़ी में जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग को ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए वो मेंटेन रखने के लिए हम प्लीज़ स्टाफ का प्रॉपरली सुने और उनको सुन करके हम जो है हम बिल्कुल ही अपने आप को क्योर नहीं लेकिन प्रिकॉशन में ज़रूर रख सकते हैं। So guys, this is Vaishali for the people, by the people, of the people, and this was a wonderful flight. Social distancing ke saath, sanitizing ke saath, ye vlog yahi pe main close karti hu. Instagram par follow karna, subscribe karna mat bhulna, aur like karna, share karna, comment bhi karna. Well, dosto, jaise ki maine promise kiya tha aapko ki agar ho sakega to pilot se bhi hum baat kar lenge, to maine baat to ki, lekin कंपनी उन्हें अलाउ नहीं करती है कि हम उन्हें ब्लॉग में लाएं, तो शी वॉज नॉट दैट श्योर। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि इट्स ओके, लेकिन फोटोग्राफ हमने खींचा है उसे मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप देख लीजिए। और हाँ, जय प्रकाश नारायण, एयरपोर्ट पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। अच्छा, हमारी क्यों ख़त्म है? वेल दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पर भी बाहर निकलते ही नापा जाता है। हमारी बैग पूरी की पूरी तरीके से गीली हो चुकी है क्योंकि वो सैनिटाइज हो गई है। तो आई फेल सेफ ट्रैवलिंग इन फ्लाइट कंपेयर टू ट्रेन।